फ्रेंड्स, मायसेल्फ सैदुल मनन। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट स्टैंडर्ड 8 साइंस चैप्टर नंबर 7, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल। ये चैप्टर के बारे में हमने थोड़ी बहुत डिस्कस की थी स्टैंडर्ड 7 के अंदर। वहाँ पर हमने एक देखा था जो लास्ट जो चैप्टर था जो हमारा, वहाँ पर पहली और बुजू जब विजिट के लिए जब गए थे फॉरेस्ट की, तो वहाँ पर उनको प्रोफेसर अहमद और टिबू के साथ मुलाकात हुई थी और उन्हें काफ़ी सारा उनका एक्सपीरियंस शेयर किया था। ठीक है, हमने सम टाइम्स इन टीनेजर्स के अंदर हमने भरतपुर सेंचुरी, सम अदर्स हैड हेड अबाउट काजीरंगा नेशनल पार्क, लखनऊ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ग्रेट ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व्स रिवर्स एंड टाइगर रिवर्स। ठीक है, हमें काफ़ी सारे जो हमारे पास अभयारण्य जो बोलते हैं, ठीक है, सेंचुरी मतलब अभयारण्य जो हमारे वापस है, काजीरंगा में नेशनल पार्क है, ठीक है, लखनऊ के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो हमने अपने विजिट शायद हमने किया हो तो पता होगा। टाइगर के लिए भी रिजर्व मतलब वो जो सुरक्षित जो एरिया बोलते हैं, वो रिजर्व एरिया जो है, तो वो हमने शायद की भी विजिट की हो तो आपको पता होगा। तो वहाँ पर उनकी जो जब वो विजिट के लिए जब गए होंगे तब ने वहाँ पर काफ़ी सारी रिस्ट्रिक्शंस देखे होंगे, काफ़ी सारे एरियाज जैसे देखे होंगे रिस्ट्रिक्शंस होगा, तो वो सब चीज़ के बारे में हमें यहाँ पर डिस्कस करना है। ठीक है, किस तरह से हम उसका रिजर्व करते मतलब उसका हम रक्षण करते वो उसके बारे में डिस्कस करना है। डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कॉसेस। ठीक है, फॉरेस्टेशन मतलब डिफॉरेस्टेशन मतलब जो हमारे एरिया जो है, जू के जो एरिया है वो अभी हम नष्ट करते हुए जा रहे हैं, मतलब उसको ख़त्म करते जा रहे हैं। द ग्रेट वेराइटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स एग्जिस्ट ऑन अर्थ, दे हैव एसेंशियल फॉर द वेल बींग एंड सेवरल ऑफ मैनकाइंड टूडे मेजर थ्रेड ऑफ सेवरल सर्वाइवल ऑफ दिस ऑर्गेनिजम्स इज डिफॉरेस्टेशन। मीन्स हमारे डे टू डे हमारे काफ़ी सारे जो पीपल्स है उनकी जो तादाद है बढ़ती जा रही, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। आपको पता है कि हमारे जो अर्थ पर काफ़ी सारे प्लांट भी अवेलेबल है, काफ़ी सारे एनिमल्स भी अवेलेबल है, बट जो सर्वाइवल जो है हमारा मतलब जो हम है उसको हम डे टू डे उसको हम क्या ख़त्म करते जा रहे हैं, क्योंकि हम उसको क्या कर रहे हैं कि उसको ख़त्म करते जा रहे हैं, वरना हमारी जो पॉपुलेशन जो बढ़ रही है तो उनको क्या हो रहा है कि प्रॉब्लमेटिक हो रहा है, मतलब उनको जो क्लाइमेट चाहिए वो मिल नहीं रहा है। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, डीफॉरेस्टेशन उसको हम बोलेंगे। वी नो डेट द डीफॉरेस्टेशन मीन्स क्लीनिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड यूजिंग डेड लैंड फॉर अदर पर्पस। ट्रीज इन फॉरेस्ट आर कट फॉर सम ऑफ द पर्पस मेंशन बिलो। मीन्स ये जो क्या है डीफॉरेस्टेशन का एक्चुअल मीनिंग जो है कि जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी तो हम क्या करेंगे, जो हमारा जो एरिया जो है लैंड का एरिया हम बनाते जाएंगे, जैसे हम फ्लैट बनाते जाएंगे, ठीक है, हमें फैक्ट्रीज चाहिए खाने पीने के लिए, कुछ और पर्पस के लिए हमें कोई चीज़ चाहिए, तो उसको हम कटिंग करते जा रहे हैं। फॉरेस्ट वाला जो एरिया हम क्या करते जा रहे हैं, कट करते जा रहे हैं। जैसे यहाँ पर दिए हुए हैं कुछ पॉइंट्स, प्रोक्रिंग लैंड एंड लैंड फॉर कल्टिवेशन, बिल्डिंग हाउस एंड फैक्ट्रीज, मेकिंग फर्नीचर फॉर यूजिंग वुड एज फ्यूल। ठीक है, प्रोसेसिंग लैंड होगा, ठीक है, प्रोक्रिंग जो लैंड जो दिया हुआ मीन्स हमें जो खेती मतलब जो हमें वेजिटेबल्स को उगाना है, मीन्स क्रॉप्स करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लैंड जो फॉरेस्ट एरिया है इसको कट करेंगे। अदरवाइज जो हमारी हाउसेस के लिए, क्योंकि जितने पीपल्स बढ़ेंगे तो उनको हाउस भी चाहिए, तो फैक्ट्रीज बनाने के लिए हाउस के लिए, समटाइम्स जो हमारे होम होगा तो उसके अंदर काफ़ी सारे फर्नीचर की जो चीज़ होगी तो वो भी चीज़ हमें चाहिए, तो वो इसीलिए क्या कर रहे, उसी पर्पज़ के लिए वो लोग कटिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कटिंग नहीं करना चाहिए, बिकॉज सम नेचुरल कॉजेज ऑफ डिफॉरेशन डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट फाइबर्स एंड सेवरल डग्स। ठीक है, उससे हमें काफ़ी सारी डग जो है, सेवरल डग्स मीन्स फॉरेस्ट फाइबर्स, उससे काफ़ी सारी हमें प्रॉब्लम्स हो सकती है। ठीक है, आप यहाँ पर एक लिस्ट बना सकते हो, ऐड मोर कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन योर लिस्ट एंड क्लासीफाई देम इनटू नेचुरल और मैन मेड। हमने मतलब हमने किया हुआ है जो नष्ट हो रहा है डिफॉरेस्टेशन वो हमने किया हुआ या मैन मेड हो रहा है, या मैन मेड हो रहा है या नेचुरल, हमें क्या करना है उसको क्लासीफाई करना है। आफ्टर दिस जो है
कंसिक्वेंसी ऑफ डिफॉरेस्टेशन, ठीक है, उसके हम जब ये होगा डिफॉरेस्टेशन होगा तो हमारे लिए क्या कंसिक्वेंसेस होगी, मतलब क्या प्रॉब्लम्स होगी। पहली एंड बूजो रिकॉल द कंसिक्वेंसी ऑफ डिफॉरेस्टेशन, दे रिमेंबर दैट डिफॉरेस्टेशन इंक्रीज द टेम्परेचर एंड पॉल्यूशन लेवल ऑन द अर्थ, इन इंक्रीज द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमोसफियर, ग्राउंड वाटर लेवल ऑल्सो ग्रेट लोअर दे हाउ दैट द डिफॉरेस्टेशन डिस्टर्ब्स एंड बैलेंस इन नेचर। दे हैव टोल्ड बाय प्रोफेसर अहमद दैट इफ कटिंग ऑफ ट्रीज कंटिन्यूसली रेनफॉल एंड द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल विल डिक्रीज, मोर ओवर देर विल बी इंक्रीज चेंजेस ऑफ नेचर क्लाइमेटली सच एज फ्लूड्स एंड डग। मीन्स हमने जब इस तरह से मतलब चलता रहा तो हमको पता है कि जो से हमारे प्लांट जो है वो क्या एटमोसफेयर में से हमारा कार्बन डाइऑक्साइड टेक करते हैं और हमें क्या देते ऑक्सीजन दे रहे। तो हम इस तरह से जब हम कटिंग करते जाएंगे तो जो हमारा एनवायरनमेंट के अंदर जो हमारा पॉल्यूशन है वो क्या कम नहीं होता जाएगा, वो बढ़ता ही जाएगा तो हमारी क्लाइमेट में चेंज आएगी, क्लाइमेट में चेंज आएगी तो हमारे क्या होगा यहाँ पर हमें प्रॉब्लम क्रिएट हो, ग्लोबल वार्मिंग की जो हम सिचुएशन है वो हमारी होगी। तो ये सब चीज़ उसने एमस प्रोफेसर एमस से उसको कटिंग कर प्रोफेसर एमस को बताया, तो उसने बोला कि उसके लिए अब ऐसा होगा तो ज़्यादा रेनफॉल होगा तो उसकी जो सॉइल की फर्टिलिटी है जो मतलब सॉइल के अंदर जो लेवल जो है फर्टिलिटी हो क्या वो कम होता जाएगा, ठीक है, हमें फ्लूड आने की चांसेस है। ये सब कौन बोल रहा है, ये हमारा प्रोफेसर अहमद बोल रहे हैं। रिकॉल दैट द प्लांट नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस, फ्यूअर ट्रीज वुड मीन्स दैट लेस कार्बन डाइऑक्साइड विल बी यूज अप रिजल्टिंग इन द इंक्रीज अमाउंट ऑफ द इन द एटमोसफियर, देर विल बी लीड टू ग्लोबल वार्मिंग एज कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप एंड द हीट रेज reflected by the earth, the increase in temperature on the earth disturb the water cycles and may reduce rainfall, they could be causes drug, ठीक है। तो हम देख सकते हैं जैसे कि हमने को पता है कि अभी जो वनस जो हमारे ट्रीज जो है वो अपना मतलब फूड बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड टेक करते हैं, अब इतने अमाउंट में ट्रीज ही अवेलेबल नहीं होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज़्यादा है बढ़ता ही जाएगा, ट्रीज़ कटिंग करते जाएंगे तो ट्रीज़ कम हो जाएंगे, ठीक है, तो ट्रीज़ कम हो जाएंगे तो क्या करेंगे अपना फूड नहीं बनाएंगे पूरा पूरा, मतलब हमें जितनी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग तो हमें फूड नहीं मिलेगा तो क्या होगा, जो फूड तो सेकेंड थिंग्स है मतलब जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज़ होता जाएगा तो जो हमारे सनलाइट जो आ रहे हैं हमारे हीट वेव्स होंगे, ठीक है, वो रिफ्लेक्ट होंगे, हमारा अर्थ का जो टेम्परेचर है वो क्या होगा इंक्रीज़ होता जाएगा, ठीक है, तो उससे क्या होगा हमारी ग्लोबल वार्मिंग की सिचुएशंस आ सकती है, ग्लोबल वार्मिंग होगा तो हमारी जो वाटर साइकिल जो रेनफॉल हो रहा है उसकी साइकिल में भी डिस्टर्बेंस होगा, वो डिस्टर्बेंस होगा तो हमें रेन कम मिलेगा, ठीक है, तो हमें प्रोडक्शंस कम होगा, तो ये सब चीज़ हम उसको क्या बोलूँगा आफ्टर दिस ये सब हमें क्या ड्रॉट मतलब हमें दुष्काल आने के चांसेस है उसको हम ये बोल सकते हैं। Deforestation is major causes which the lead to the changes in soil properties. Physical properties of the soil get affected by plantation and vegetation. Recall from the class 7 how trees prevent soil erosion. Fewer trees result in more soil erosion. Removal of the top layer of the soil expresses the lower hard of the rocky layers in the soil has less humid and the less fertile. Gradually the fertile land get converted into desert is called deforestation, desertation. Desertification बोला हुआ, desertation भी आप बोल सकते हो, ठीक है, तो हमने देखा कि जैसे कि हमारा जो लैंड का जो एरिया इंक्रीज होता जाएगा तो सॉइल के अंदर उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, सॉइल की जो प्रॉपर्टी है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी पर भी क्या होगा चेंज आएगा, जैसे प्लांटेशन करते गए, ठीक है, हमने देखा था प्लांटेशन करते हैं कि उसके बाद हमें मैनर ऐड करना पड़ता है क्योंकि उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो कम हो जाती है, उसमें से जो मेजर जो चेंज जो होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो कम होते हैं, हमें ऐड करने पड़ते हैं, तो जब ऐसे जब हमारे ड्रॉट मतलब रेनफॉल ज़्यादा होगा, जब हमारी वाटर साइकिल जब हमारी डिस्टर्ब होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा रेनफॉल
होगा या बाढ़ आने के चांसेस है। बाढ़ आएगी तो क्या होगा, जो सॉइल का जो अपर जो लेयर है वो क्या होगा, वो वहाँ से टॉप लेयर वहाँ से निकल जाएगा। आपको पता है हमारी जो सॉइल है उसमें टॉप लेयर सैंड का है, उसके आप नीचे जाओगे तो थोड़ा इससे बिग बिग स्टोन है। अब जितने नीचे जाओ तो आपको बिग बिग स्टोन्स मिलेंगे, ठीक है, रॉकी लेयर्स जो अवेलेबल है। तो ऊपर का जो टॉप लेयर हमारा चला जाएगा तो वो क्या करो, वाटर की जो कैपेसिटी जो है मतलब कंज्यूम करने की, वो पकड़ रखने की जो कैपेसिटी वो लो हो जाएगी, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हमारी जो फर्टिलिटी है, जो हमारी जो जहाँ पर अब अभी ट्रीज जो ग्रो हो रहा है वहाँ पर ट्री ग्रो होगा नहीं, वहाँ पर क्या होगा वो वहाँ पर पूरा हमारा डेजर्ट में वो कन्वर्ट होगा। तो उसका हम क्या बोलेंगे, डेजर्टिफिकेशन बोल सकते हैं। तो ये भी हमारा बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। डिफॉरेस्टेशन ऑल्सो लेड टू डिक्रीज इन वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल एंड द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल सरफेस द ग्राउंड इन्फ्लेंटेशन रेट द रिड्यूस सो दैट द फ्लूड एंड अदर प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल लाइक न्यूट्रिएंट कंटेंट टेक्सचर एक्सेट्रा ऑल्सो चेंज बिकॉज द डिफॉरेस्टेशन मैंने अभी आपको डिस्कस की। तो इससे क्या होगा कि जो ऊपर का जो टॉप लेयर जो सॉइल का निकल जाएगा तो उसकी जो होल्डिंग कैपेसिटी है वाटर की सॉइल की वो हमारी कम हो जाएगी, क्योंकि जितना पानी आएगा वो तो बहता ही जाएगा, उसको होल्डिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी तो हमें प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो अब वो पूछ रहेगा, अब उसको हमें ये कटिंग कंटिन्यू रहा था, ये प्रॉब्लम्स हो गया, अब उसको हमें क्या करना है कि भाई हमें उसको रोकना है, तो हाउ टू स्टॉप। उसके अकॉर्डिंग तो हमें क्या दिया हुआ है, आपको एक्टिविटी भी दिया हुआ और अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। एक्टिविटी आप पढ़ोगे तब भी पता चल जाएगा, ठीक है। हाँ, बायोस्फीयर इज़ द पार्ट ऑफ द अर्थ इज़ विच लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट विच सपोर्ट लाइफ। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और बायो डाइवर्सिटी रिफर टू द वेराइटीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ। दिस इंटर रिलेशनशिप एंड देयर रिलेशनशिप विद द एनवायरमेंट मीन्स हमारे जो अर्थ पर लेयर्स है, तो बायोस्फीयर के अंदर हम रह सकते हैं, मीन्स इसके अंदर हमारे पास पानी भी है, खाने के लिए जो हमारा क्लाइमेट जो है वो सब क्या अवेलेबल्स है, ठीक है। काफ़ी सारे एनिमल्स भी रह सकते हैं उसमें, हमारा जो बायोस्फीयर के, दिस इज़ वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। आपको पूछा जाए हम कौन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स कौन से स्पीयर में रह सकते हैं, तो बायोस्फीयर, ट्रेटोस्फीयर, ठीक है, ट्रोपोस्फीयर, आप पढ़ोगे तो आगे सब ये चीज़ आएगी। तो बायोस्फीयर के अंदर हम जो एरिया जहाँ लिविंग ऑर्गेनिजम्स रह सकते हैं उसको हम बायोस्फीयर बोल सकते हैं। प्रोफेसर एमज ऑर्गेनाइज अ विजिट टू बायोस्फीयर रिजर्व फॉर पहली पहली एंड बूजो एंड देयर क्लासमेट। ही सिलेक्टेड अ प्लेस नेम पंचरिठी, ठीक है। वो आप वहाँ पर एक सुरक्षित मतलब पंचमठी कर कर एक जो एरिया सा वो बायोस्फीयर से क्या पूरा रिजर्व था, वहाँ पर उनकी विजिट कर रहे हैं। ही नो दैट द प्लांट एंड एनिमल्स फाउंड देयर हियर द सिमिलर टू दोज अपर हिमालयस पिक्स एंड दोज बिलोंगिंग टू द लोअर वेस्टर्न घेट्स। प्रोफेसर एमेट बिलीव दैट द बायोडाइवर्सिटी फाउंड हियर इज़ यूनिक। ही रिक्वेस्ट माधव जी अ फॉरेस्ट एम्प्लॉय द गाइड द चिल्ड्रन इन साइड द बायोस्फीयर रिजर्व्स। ही एक्सप्लेन दैट द प्रिजर्विंग एरियाज फॉर सच बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस मेक देम द पार्ट ऑफ आवर नेशनल हेरिटेज, ठीक है। यहाँ पर एक पंचमटी का जो एरिया था वहाँ पर वो प्रोफेसर अहमद उनको विजिट करा करवा रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पर जा रहे तो उन्हें देखा जो हिमालय के जो हमारे पिक्स पर जो हमारे वो प्लांट्स जो अवेलेबल थे वो यहाँ पर भी अवेलेबल है। कुछ काफ़ी जो प्लांट है डेजर्ट में, कुछ ऐसे जो प्लांट है लोअर वेस्टर्न जो गेट्स के अंदर जो प्लांट्स है वो सभी चीज़ यहाँ पर चीज़ अवेलेबल थी। वो लोग हमने देखी नहीं कभी, हम जब जाते थे जू में तो कुछ एनिमल्स हम देख भी नहीं पाते, वहाँ पर अवेलेबल्स होते, तो ऐसे ऐसे प्लांट्स अवेलेबल थे। तो वहाँ का जो एक एम्प्लॉयर था माधव जी को उनसे मुलाकात करा रहा है और उनको बोल रहे कि भाई इसके बारे में बायोस्फीयर जो हमने रिजर्व किया है, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी है उसको हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करो और ये हमारा हेरिटेज है, यहाँ पर तुमको सभी चीज़ अवेलेबल है। अपने हेरिटेज जो हो देखा होगा जो पहले जो अवेलेबल थे, ठीक है, उसको हम क्या हेरिटेज के फॉर्म में उसको हम देखते हैं। अभी हम देख नहीं सकते, जैसे हम महल जो है, ठीक है, तो पहले थे हमारे राजा वगैरह थे वो लोग
यूज़ का तभी हमारे लिए हेरिटेज है। तो माजा दी एक्सप्लेन द चिल्ड्रन अपार्ट फ्रॉम द आवर पर्सनल एफर्ट एंड एफर्ट ऑफ द सोसाइटी गवर्नमेंट एजेंसीज ऑल्सो टेक केयर ऑफ द फॉरेस्ट एंड एनिमल्स। द गवर्नमेंट ले डाउन द रोल्स रूल्स मेथड्स एंड पॉलिसीज टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व देम। द वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज नेशनल पार्क बायोस्फीयर रिजर्व एक्सेट्रा आर प्रोटेक्टेड एरिया ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स प्रेजेंट इन द एरिया। ठीक है, तो ये उनने बताया कि उनने पर्सनल चीज़ भी बताई और उन्हें बोला कि हम पर्सनल भी उसको हम मतलब उसका रिजर्व करते और गवर्नमेंट जो है जो हमारी कुछ सोसाइटीज़ है कुछ गवर्नमेंट्स की जो हमारी एजेंसीज है वो भी किया ये फॉरेस्ट को केयर करते उसकी एनिमल्स की केयर करते। उसके लिए काफ़ी सारे रूल्स भी होते हैं मेथड्स भी होती है उसकी पॉलिसीज़ भी वो बाहर निकलते। ठीक है, उसके एरिया में वाइल्ड लाइफ जो हमारे पूरा जो एरिया है कुछ एनिमल्स है पूरे वाइल्ड लाइफ में जो एनिमल्स जो है उनको इतना एरियाज होना चाहिए उसको इतने हैबिटेट होनी चाहिए उसको बायोस्फीयर उसका ऐसा होना चाहिए ये सब चीज़ हमारी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। इसीलिए वहाँ पर एरिया में आप कभी भी जाओगे तो आपको रिस्ट्रिक्शंस बहुत होगा। आप इजीली किसी भी एनिमल्स को आप टच नहीं कर सकते या किसी भी एनिमल्स को आप कोई भी चीज़ का फूड नहीं दे सकते क्योंकि ऐसे एम्प्लॉयर और हमारी जो गवर्नमेंट है उसको क्या करती है प्रोटेक्ट करती है। आपको पता होगा डायनासोर जो पहले अवेलेबल थे अभी अवेलेबल नहीं क्योंकि उसका वो लुप्त हो चुका है। तो उसके कुछ एक कहाँ यहाँ पर एरियाज पर उसके जो बॉन्स अवेलेबल थे उसका हम स्ट्रक्चर देख सकते हैं बट उसको हम देख नहीं सकते। तो इसी तरह से उसका हम क्या करते हैं रिजर्व करते हैं। यहाँ पर आपको फोर चीज़ डिफरेंट डिफरेंट दी हुई है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो एरिया वेयर द एनिमल्स एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम द एनी डिस्टर्बेंस टू देम इज देयर हैबिटेट। ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है मतलब जैसा एरिया है वहाँ पर किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस नहीं है और वो इजीली उसके हैबिटेट में रह सकते हैं उसको हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोल सकते हैं। नेशनल पार्क एरिया रिजर्व फॉर द वाइल्ड लाइफ वेयर दे कैन फ्रीली यूज द हैबिटेट एंड नेचुरल रिसोर्सेज। नेशनल जो पार्क होता है उसके अंदर क्या उसके वाइल्ड लाइफ का एरिया रिजर्व होता है और वहाँ पर वो इजीली घूम सकते हैं। ठीक है, उसके नेचुरल रिसोर्स भी अवेलेबल होते हैं और बायोस्फीयर रिजर्व द लार्ज एरिया ऑफ द प्रोटेक्टेड लैंड द कंजर्वेशन ऑफ द वाइल्ड लाइफ द प्लांट एनिमल रिसोर्स एंड ट्रेडिशनल लाइफ ऑफ द ट्राइबल्स लिविंग्स इन द एरिया। बायोस्फीयर मीन्स ये जो एरिया है इसमें काफ़ी सारे हमारे ह्यूमंस जो अवेलेबल मतलब रहते हैं लिविंग्स और तो वहाँ पर काफ़ी सारा एरिया रिजर्व कर ये बायोस्फीयर रिजर्व एरिया बनाया जाता है। वहाँ पर प्लांट है एनिमल्स का रिसोर्स मतलब ट्रेडिशनल हम ऐसा एरिया क्रिएट करते और हमें बना दे। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो हमारा पूरा जो अकेला है उसके लिए कोई प्रोटेक्शंस नहीं है। ठीक है, नेशनल पार्क जो हमने रिजर्व किया वो बायोस्फीयर रिजर्व मीन्स हमारे लैंड में से उसको कवर किया हुआ था। तीन तरह के चीज़ अलग अलग यहाँ पर आपको दिए हुए हैं आप इस तरह से देख सकते। नेक्स्ट वीडियो में हम देखें बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोग कंडरस्टैंड हो गए। इफ़ एनी डाउट इफ़ एनी क्वेरी तो आप कमेंट्स में डाल सकते हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।